कांग्रेस के लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। और जब भी आतंकी हमले होते थे, एक कांग्रेस के लोग क्या कहते थे, कहते थे देख रहे हैं, देखेंगे, मुंह छुपाने का काम करते थे। कहते थे पाकिस्तान का हाथ है, वो कहते थे नहीं नहीं हम छेड़ेंगे नहीं, माहौल खराब हो जाएगा। और आज एक पटाखा भी जोर से फट जाए ना, पाकिस्तान सफाई देता कि नहीं नहीं मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है, उसको मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है, बहुत कायदे से ठिकाने लगाता है, घुस के मारता है। अब भारत अपमान स्वीकार नहीं करता है, अपनी सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को ठिकाने लगाना भी जानता है। और बहनों और भाइयों, ये नया भारत आज हम सब देख रहे हैं, ये नया भारत है। उत्तर प्रदेश के बारे में भी कांग्रेस के लोग कहते थे, कहते राम जन्मभूमि पे अगर फैसला हो गया खून की नदियां बह जाएंगे। मैंने कहा यार देखो फालतू बात करते हो, एक मच्छर नहीं मरने वाला है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा, आपने देखा होगा 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश, जिस दिन राम जन्मभूमि का फैसला हुआ और जिस दिन रामलला के मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों सेवा, और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे शांतिपूर्ण और सबसे उल्लास का दिन रहा होगा। आपने देखा होगा भाई, सामान्य दिनों में राह चलते हुए किसी व्यक्ति पर साइकिल और रिक्शा वाले में भी आपस में लड़ाई होती, तू मैं हो जाती है, हो जाती है। तेजी के साथ कोई मोटरसाइकिल से चल रहा है, कोई बाइक से चल रहा है, कोई कार से चल रहा है, आमने सामने फिर भी एक दूसरे से मुठभेड़ हो जाती है। ये तीन तिथियां ऐसी हैं जहां पर कहीं कोई विवाद नहीं, उत्साह और उमंग का माहौल था और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह शांति थी। तब मैंने कांग्रेसियों से कहा, मैंने कहा तुम तो कहते थे खून की नदियां बहेंगी, खून की नहीं रंगों की होली खेली जा रही है, होली होली, ये उत्सव है, ये उमंग का अवसर है। भारतवासी आज से नहीं सनातन काल से, आदिकाल से इन पर्वों को मनाता आया है। और बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस के लोग ऐसे ही कहते थे, ये अपमानित करते थे, हर संभव प्रयास करते थे भारत और भारतीयता को अपमानित किया जाए, भारत की सनातन परंपरा को अपमानित किया जाए। और इन्होंने तो, एक कांग्रेसी लोग है ना, इन्होंने तो कहा था हिंदू आतंकवाद शब्द भी तो इन्होंने ही दिया था, इन्होंने ही दिया था। आज तो विकास के कार्य हो रहे हैं बड़े बड़े, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गडकरी जी इसी महाराष्ट्र के सपूत हैं, हाईवे, वर्ल्ड क्लास हाईवे भारत के अंदर बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, मेट्रो आ रही है, एम्स, रेलवे का बेहतर नेटवर्क, और रेलवे में भी नई ट्रेनें चल रही, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत ट्रेनें चल रही है। भारत को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी के नेतृत्व में मिल रहा है, आईआईटी, आईएम, एम्स, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। और अभी जब धैर्यशील माने बोल रहे थे कि मैं जल लाऊंगा, बहनों और भाइयों जल लाना नहीं, आ गया मान के चल लीजिए, आपके यहां आ गया है, आ गया है। हर घर नल का संकल्प मोदी जी ने पहले ही पारित कर दिया है, धैर्यशील माने यहां बोल रहे हैं, लेकिन ये आ गया है, हर घर में आरओ का पानी पहुंचेगा, अब इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए केवल सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, और इसीलिए लोग बार बार मोदी को चुनते हैं, इसीलिए चुनते हैं। ये सपने दिखाने का काम तो वे लोग बोलते थे, ये सपने दिखाने का काम तो एक कांग्रेसी करते थे, दादी ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का, पोता भी तोते की तरह आज वही डट रहा है, वही डट रहा है कि गरीबी हटा देंगे।
एक पत्रकार ने पूछा कैसे हटाएंगे, तो कहता एक झटके में हटा देंगे। तो कहा एक झटके में कैसे, उसने कहा मैं प्रत्येक नागरिक की संपत्ति का सर्वे करूंगा। और फिर उनके सलाहकार सेम पित्रोदा ने अपने नाम के अनुरूप कांग्रेस के सामने समस्या खड़ी कर दी और क्या कहा, कहा हम विरासत टैक्स लगा देंगे। विरासत टैक्स का मतलब आपके पूर्वजों ने, आपके माता पिता ने, आपके पूर्वजों ने कोई संपत्ति अर्जित की है, वे कांग्रेसी क्या चाहते हैं कि उस संपत्ति का सर्वे करा करके लोग रखेंगे और बाद में कहेंगे जैसे औरंगजेब के समय जजिया कर लगता था ना, ऐसे ये कांग्रेस जजिया कर लगाना चाहती है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या, क्या ये देश स्वीकार करेगा क्या? अरे मुगलों की औलादें तो वर्तमान में रिक्शा चलाने का काम कर रही हैं और ये लोग जजिया कर वसूली करेंगे भारत से, ये लोग भारत से जजिया कर वसूली करेंगे। ये कांग्रेस ने कह दिया हम विरासत टैक्स लेंगे, भारत ये विरासत टैक्स स्वीकार नहीं करेगा। भारत तो ये नया भारत है, ये टैक्स नहीं, अपनी जनता के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेके आया है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के समय में लोग भूखों मरते थे, आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। उनके समय में लोग उपचार के बहाव में मरते थे, मोदी जी 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की योजना दे रहे हैं। उनके समय में कांग्रेस के हर नेता हर दलाल का कमीशन तय होता था गरीब की योजनाओं पे, मोदी जी ने उनकी कमीशन बंद कर दी क्योंकि हर गरीब का जनधन अकाउंट खुल गया है, पैसा सीधे मुंबई से या दिल्ली से गरीब के अकाउंट में आ जाता है। उनके समय में किसान आत्महत्या करता था, मोदी जी ने हर किसान को किसान सम्मान निधि दे दिया है, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उनके समय में नारी गरिमा का सम्मान नहीं था, आज तो हर घर में शौचालय है और 10 करोड़ परिवारों को फ्री में एलपीजी के कनेक्शन भी दे दिए गए, 4 करोड़ गरीबों को मकान दे दिए गए। और मोदी जी ने कहा है जितने भी परिवार बाकी बचे हैं अगले 5 वर्ष में उन सबको भी एक एक आवास उपलब्ध करवाएंगे, हर घर नल की योजना भी पूरा करेंगे। बहनों और भाइयों, यही अंतर है, वे सपने बुनते, वे सपने दिखाते थे, सपने बुनते थे, यहां पे हकीकत बुने जाते हैं। और इसलिए उनके सपने को जनता ने खारिज किया है और मोदी जी को बार बार चुना है। बहनों और भाइयों, वे राम को नकारते थे और मोदी जी ने अयोध्या में राम को विराजमान करके कह दिया कि हिंदुस्तान में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर होगा, राम राज्य की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, कांग्रेस के समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बयान आपने पढ़ा होगा, प्रधानमंत्री थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मोदी जी तो नहीं कहा, मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए काम करेगी। इसके लिए उन्होंने नारा क्या दिया, सबका साथ सबका विकास। बहनों और भाइयों, मुझे बताओ सार्थक नारा क्या है, किसी मजहब विशेष को चेहरा देखकर के योजनाओं का लाभ देना चाहिए या सबका साथ और सबके विकास के आधार पर देना चाहिए? सबका साथ और सबका विकास ही रामराज्य की आधारशिला है, यही है रामराज्य और यही है छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंदवी स्वराज की आधारशिला, यही है। और यही कहने के लिए हम लोग आए हैं। कांग्रेस, कांग्रेस का घोषणा पत्र आप देखिए, देखो कितनी चालाकी दिखाने का प्रयास करते, कहते हैं और अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस क्या कहती है, एनडी गठबंधन क्या कहता है, कहता है हम अल्पसंख्यकों को ले उनकी रुचि के भोजन की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं ऐसा कौन सा भोजन है जो बहुसंख्यक पसंद नहीं करता और वे पसंद करते हैं? आप मुझे बताओ, इनकी मनसा देखिए,
इनकी मनसा देखिए, अरे ये महाराष्ट्र है, ये हिंदुस्तान है, अरे कांग्रेसियों क्या हो गया तुम्हें, क्या कर रहे हो ये? एक गरीब के बारे में बात करते, एक किसान के बारे में बात करते, एक नौजवान के बारे में बात करते, आधी आबादी बेटी और बहनों के बारे में बात करते, लेकिन कहते हैं उनकी अभिरुचि के अनुसार, अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार भोजन की व्यवस्था करेंगे, खान पान की स्वतंत्रता देंगे, यानी उनको गौ हत्या करने की छूट देंगे। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या स्वीकार करेंगे इसको? अगर कोई व्यक्ति सबके बावजूद भी कांग्रेस को वोट देता है तो इससे बड़ा पाप दूसरा हो ही नहीं सकता। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा पाप हो ही नहीं सकता। यानी ये पाप कर रहे हैं, एक पाप ये, और दूसरा क्या, दूसरा पाप इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, इनके द्वारा कहा जा रहा है, बहन और भाइयों कांग्रेस से पहले कर चुकी है, उन्होंने क्या कहा है, कांग्रेस की जब यूपीए की सरकार थी तब उसने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी, और कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी थी कि ओबीसी को मिलने वाला 27% आरक्षण में से 6% आरक्षण मुसलमानों को दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय एनडीए ने उस समय पुरजोर विरोध किया था, कहा था ये स्वीकार नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को अपमानित नहीं होने देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने कहा था, शिवसेना ने कहा था। फिर कांग्रेस ने सच्चर कमेटी गठित की, और सच्चर कमेटी की गठित करके उसने क्या कहा, उसने कहा मुसलमानों की कुछ जातियों को दलित में घुसेड़ दो, यानी सीधे तरीके से नहीं ले पा रहे थे तो वहां अंदर घुसपैठ करके योजना का लाभ लेना चाहते थे, तब भी इसका विरोध एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने किया, कहा कि नहीं ये भी स्वीकार नहीं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं। बहनों और भाइयों, कांग्रेस तो भारत को का इस्लामीकरण करना चाहती है, एक और विभाजन की ओर भारत को ले जाना चाहती है। क्या ये महाराष्ट्र स्वीकार करेगा? क्या हिंदुस्तान स्वीकार करेगा? और एक और शरारत क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून को लागू करने की छूट देंगे, यानी तीन तलाक की कुप्रथा पर जो रोक लगी है इसको फिर से लागू करेंगे, क्या इसको स्वीकार करेगा कोई? आधी आबादी इसको स्वीकार करेगी?